माल अच्छा चल रहा है, अच्छा गाहक है, रेट भी ठीक है माल का, अच्छे रेट पर चल रहा है माल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जो रेट के बराबरी माल चल रहा है उसमें कोई नहीं है, कोई नजायज कर भी नहीं रहा, ना कोई नजायज लेने वाला कर रहा, ना देने वाला कर रहा। ईद का मौका है, ईद 12 तारीख को ईद है और हम ये लेने बेचने के लिए आए हैं यहाँ मंडी में, और अभी आ रहे हैं लोग देने के लिए, मगर अभी किसी ने कोई यहाँ से लेकर नहीं गया, और हमने इनकी दोनों की कीमत जो है 50,000 रखी हुई है। बस मैं ये बोलना, मैं इस ईद के मौका पर सब जितने भी हमारे, मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क के लोग हैं, उन सबको जो है वो ईद मुबारक देना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से, खुसूसन खिताब पीर पंजाल को, और ख़ास कर मैं ये कहूँगा कि जो चहल पहल है, एक अच्छी चहल पहल यहाँ पर लगी है, और ईद कुर्बानी है ये, इसमें बहुत सारे लोग बड़े शौक से अपने माल मवेशियों को अच्छे तरीके से वो उसको पाल पोस के अच्छे तरीके से वो रखते हैं, ताकि ईद पर जो है उनको अच्छी रकम मिले। तो इसमें दो राय की बात नहीं है कि कुर्बानी जिस वक्त इंसान का दिल सेटिस्फाई हो जाए, और लेने वाले आदमी का और देने वाले आदमी का दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, तभी जाके कुर्बानी के लिए जो है वो, ताकि घर में ले जाए, उसको ये ना कहे कोई कि आपने महंगा लाया, आपने सस्ता लाया। मेरी यहाँ पे इंतजामिया से ये खुसूसन रहेगी कि आप इस पे लुक आफ्टर करें, कि भाई कोई भी मतलब जितना जिस तरीके से जो है इतना महंगे दामों पे भी, क्योंकि आम आदमी कुर्बानी नहीं दे सकेगा, ताकि किसी देने वाले को भी नुकसान ना हो और लेने वाले को भी ना हो। मतलब यहाँ बड़े बड़े लोग कुर्बानी तो बड़े बड़े देते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख की भी देते हैं, लेकिन मेरे साथ जैसे कि मेरे ये इकबाल भाई हैं आपके पीछे खड़े हैं, अगर ये इनको कोई 10 से 15 हज़ार की कुर्बानी देनी पड़े तो ये इसी में सादत इनको होती है कि भाई मेरे लिए बहुत बड़ा है ये। हर आदमी कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको जो है वो जानवर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो सभी लोगों को इस पॉइस ओकेजन की जो है वो इन एडवांस जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया है, ये हमें इंश्योर करना है कि ये जो इनकी जो प्राइस है मटन की या ये जो फाउल्स की जो प्राइस है वो मतलब वही रहे जो कि गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई की हुई है। तो इससे रिलेटेड भी हम जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, हम TSO साहब के थ्रू या और जो अपने जो भी कंसर्न्ड इसमें डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को ये जो है इनके रीज़नेबल प्राइस पे ये जो हैं मतलब रैम्स वगैरह जो भी मतलब कुर्बानी के लिए जो उनको ख़रीदने हैं, परचेज़ करने हैं, वो जो रीज़नेबल प्राइस पे।